हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का आपका रिजल्ट पहले ही आ चुका है। दोस्तों, जो आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट आपको पहले जारी कर दी गई थी, अब आपका जो है वो मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं। फिलहाल साइट आपकी जो है वो बिजी चल रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टेप बाई स्टेप किस प्रकार से अपना चेक करना है, स्कोर आपके रॉ स्कोर क्या है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको जो है वो किस प्रकार के नंबर का प्रॉफिट हुआ है या फिर आपका वो लॉस हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए आपके देखते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। दोस्तों, आगे भी आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहेंगी तो उसको मिस ना कर पाएँ। आप जो है हमारा बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें आ जाना अपने उस स्टोर के गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद हमें यहाँ पर सर्च बार में हम टाइप करेंगे ssc.nic.in। मैं आपको उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। उस पर क्लिक कर जो है वो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट को इंस्टॉल एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, देखिए वेबसाइट थोड़ा सा बिजी आ रहा है तो मैं उसको ओपन होने देता हूँ। ओपन होने तक हम उसका वेट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो रहा है और यह आपको देखेंगे जो मैन इसका मैन स्ट्रीम दिया हुआ होता है आपके मुख्य पेज में, इसका एक नोट्स दिया हुआ होता है। ठीक है, वो नोट्स मैं आपको पढ़वा देता हूँ। होम पेज पे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला आपका देखिए ये लिखा हुआ है, अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑफ एमटीएस नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन 2019। ये आपका 20 नवंबर को जो है पोस्ट किया गया है। आइए इसे क्लिक कर देखते हैं, एक पेज आपको डाउनलोड हो जाएगा। आइए इस पेज में क्या है ये भी देखते हैं। देखिए नोटिफिकेशन है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन अपलोडिंग ऑफ मार्क्स पेपर फर्स्ट। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ पेपर फर्स्ट मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन 2019 5/11 से लेकर रिवाइज रिजल्ट ऑफ द सेट एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड 11 नवंबर को। ठीक है, द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू अपलोड द मार्क्स ऑफ पेपर फर्स्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड फॉर पेपर सेकेंड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इन लोगों का सेकेंड पेपर हो गया, क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई हैं उन लोगों के जो है वो यहाँ पर मार्क्स अपलोड कर दिए गए हैं। टू चेक द इंडिविजुअल मार्क कैंडिडेट में लॉग इन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बाई यूजिंग दियर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एसएससी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड। ठीक है, एंड क्लिक ऑन द रिजल्ट मार्क्स लिंक ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। ठीक है, आपका देखिए एक मंथ जो है, एक मंथ तक आपका ये अवेलेबल रहेगा, तो आप जो है एक महीने तक अपना जो मार्क्स देख सकते हैं इस वेबसाइट पर, ताकि आप और भविष्य के लिए आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं 20 नवंबर 6 बजे तक और आपका 19 दिसंबर तक आपको इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर पहले से ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है दोस्तों, आपका जो भी आपको पासवर्ड हो यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आपका देखिए दोस्त जो भी दोस्तों QR कैप्चा कोड हो आपका, वो डाल के आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको दोस्तों इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है रिजल्ट ऑफ मार्क्स पर, यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बोलेगा कि आपका एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीटास्किंग एग्जाम सेलेक्ट करते हैं, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका नाम पता वगैरह, जिसे मैं आप स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए दिखाई देंगे आपके सब्जेक्ट वाइज आपने कितना कितना स्कोर किया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस में आपने 20 नंबर पाए, यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ में आपका 22.5 नंबर थे, जनरल इंग्लिश में आपने 10 नंबर पाए और GA में आपका वो 7.5 नंबर थे। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके जो है 60.25 जो है आपके बनते हैं, यहाँ पर टोटल स्कोर बनता है। लेकिन आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 63.86 आपका इसमें जो है वो स्कोर हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका 3 मार्क्स का जो है वो बेनिफिट्स मिलता है नॉर्मलाइजेशन के बाद में। वह कई स्टूडेंट्स को आपका जो है वो ज़्यादा भी बेनिफिट मिला है, वो उनके प्रेफरेंस के हिसाब से है दोस्तों कि आप किस शिफ्ट में जो है उन्होंने क्वेश्चन दिया था या फिर किस डे में उन्होंने जो है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी है। अब यहाँ पर देखिए एक आगे चीज़ दिया हुआ है कि आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है या नहीं है, और इसके लिए आपको स्टेट का जो प्रेफरेंस आपने भरा था, ठीक है, जो आपका सभी स्टेटों के लिए प्रेफरेंस भरा गया था वो आपको यहाँ पर दे रखा है।
तो ओवरऑल यहाँ पर देखा है कि आपका फाइनल मार्क्स इतने आए हैं, तो आपके रॉ मार्क्स इतने थे, आपने कितना स्कोर किया था, तो ये जानना अहम है। सभी लोग आपने जाकर चेक कर लीजिए। वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।